इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब के ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में जयपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए दो थानाधिकारी और दो कांस्टेबल को ट्रैप किया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना के दरोगा दिलीप दान और थम्बोला थाना के थानाधिकारी भैयालाल आंजना को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस महकमे में एसीबी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार दोनों थानाधिकारियों ने शराब ठेकेदार से मासिक बंदी 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें कुछ दिन पहले शराब ठेकेदार ने 5 लाख रुपए दे दिए थे और 3,30,000 रुपए देने के लिए एक होटल में बुलाया था, जहां पर एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में जयपुर एसीबी टीम ने दोनों थानाधिकारी और दो कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और पूर्व में लिए रिश्वत के 5 लाख रुपए भी थाने की अलमारी से बरामद कर लिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दम्बोला सीआई भैयालाल आंजना ने शराब ठेकेदार के घर के बाहर ही गुंडई करते हुए जमकर उत्पात मचाया था और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए थे। इस खबर को उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित भी किया था। खोलना नहीं है, खोलना थोड़ी है, तोड़ इसको, कैसे तोड़ इसको, एक हमला तोड़ मई को यहाँ के कुछ शराब ठेकेदार हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि उनके यहाँ पे कई जगह शराब की दुकानें हैं और उन दुकानों के नाम पे यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके नाम से बंदी ली जाती है। वो पहले बंदी 5 लाख ली जाती थी और अब उसको 10 लाख की डिमांड की और नहीं देने के ऊपर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा के उनको दूर किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उस सूचना के आधार पर हमारे चूँकि मुख्यालय पर सूचना प्राप्त हुई थी, हमने वहाँ से टीम भी भेजी और टीम ने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन के दौरान जो यहाँ कॉन्स्टेबल है भोपाल सिंह, दूसरे यहाँ के दो SHO हैं, दिलीप दान SHO कोतवाली हैं और दूसरे SHO भैयाराम आजना जो कि धम्बोला SHO हैं, उन दोनों ने वेरिफिकेशन के दौरान डिमांड की पैसे की। जो कॉन्स्टेबल है, एक कॉन्स्टेबल भोपाल सिंह है जिसने 2.5 लाख रुपए तो आज रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी उन्होंने 5 लाख रुपए SHO के कहने पे 5 लाख रुपए लिए थे, वो भी आज हमने जब सर्च किया है तो उसके अलमारी के अंदर मिले हैं 5 लाख रुपए। दूसरा यहाँ का एक कॉन्स्टेबल है जगदीश ईश्वर, उससे भी यहाँ के जो SHO हैं दिलीप दान, उनके 80,000 रुपये उन्होंने जो मासिक बंदी है उसको लेते हुए गिरफ्तार किया। इस प्रकार से हमने दो SHO हैं धम्बोला और कोतवाली, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरे दो कॉन्स्टेबल हैं जो कि कोतवाली थाने के, उन दोनों को अरेस्ट करें। हमारे को लगभग 8,30,000 रुपये की राशि मिली है जो रिश्वती राशि के रूप में हमने उसको जब्त कर रहे हैं। दूसरा जो अन्य अधिकारी हैं उनकी जो भी भूमिका होगी उसकी हमारे द्वारा जाँच की जाएगी। हमारे DYSP हैं परमेश्वर दयाल जी, ये इनके जो टीम है उसके ये जो चूँकि आरोप लगाए हैं और हमने जो टोटल जो इनको जो वेरिफिकेशन किए हैं पैसे लिए गए हैं, तो चूँकि उनसे कोई डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं, लेकिन जो भी उनकी भूमिका है उसकी हम अनुसंधान के दौरान जाँच करेंगे और जाँच में जो भी भूमिका पाई जाएगी उसके आधार पर हम बता देंगे। सर जो मोबाइल जब मोबाइल जो ये जो थाना अधिकारी हैं उनके और जो मोबाइल ले रहे हैं तो जो भी संदिग्ध मोबाइल है उनके लिए जो भी कोई इस तरह के एविडेंस आते हैं उसके आधार पर। अच्छा, दूसरे इनके जो संदिग्ध लोग हैं उनके जो हाउस है उनके सर्च चल रही है, वहाँ पे भी अगर कुछ पाया जाता है तो उसके आधार पर अलग से कार्रवाई। कितने स्थानों पर सर्च वी
उदयपुर के अंदर सर्च की जा रही है, यहाँ बहुत जगहों पे। इसके अलावा SHO है, इनके दोनों रेजिडेंस हैं, उन पर सर्च की जाएगी। कॉन्स्टेबल हैं इनके ऑफिसर, पाँच छः जगहों पर अभी सर्च कार्रवाई चल रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.